हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। इस टेंस की पहचान क्या होती है कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें यदि गा गे गी आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है। जैसे कि एक लास्ट में गा गी गे ये हो तो फ्यूचर इंडेफिनेट मान सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो आप काम में लेंगे वो शैल और विल काम में लेंगे। शैल और विल, आई और वी के साथ में आपको शैल लगाना है और जो भी सब्जेक्ट हैं अन्य सब्जेक्ट के साथ में आपको विल का प्रयोग करना है। इसमें मेन वर्ब जो आप काम में लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं वो देखिए। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल या विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अंत में ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। एग्जांपल देखिए, मोनिका आज आएगी, तो मोनिका सब्जेक्ट हो गया, मोनिका सब्जेक्ट हो गया, मोनिका के साथ में विल का यूज किया, विल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना के लिए कम आज टुडे, मोनिका विल कम टुडे। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। तो इस प्रकार से आपने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें हिंदी सेंटेंस में आपको गा गी के होंगे, हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल काम में लेना है, आई वी के साथ में शैल का प्रयोग करें, अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं आई वी के अलावा उनके साथ में आप विल का प्रयोग करें, मेन वर्ब में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लें, सब्जेक्ट फॉर्मूला के रूप में सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर शैल या विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसमें WIL होगा, WIL विल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।